नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम की भूमिका। मेरा जो टॉपिक चल रहा था पाठ्यक्रम, उसमें मैं आपको आज पाठ्यक्रम में जो हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारा विभाजन किया गया, इनका तुलनात्मक अध्ययन, इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें मैंने सबसे पहले आपको अपने जो अपना विभाजन किया था आदर्शवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, इनके आधार पर मैं आपको शिक्षा के सिद्धांत, इनके उद्देश्य, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाऊंगी। ये है हमारे पाठ्यक्रम में इनकी हमारी जो हमारे दार्शनिक हुए थे, इनके हमारी जो पाठ्यक्रम में क्या भूमिका रही है, किस तरीके का ये पाठ्यक्रम चाहते थे। इसमें हमारा एक टॉपिक और है हमारा पाठ्यक्रम, अर्थात ये हमारा पाठ्यक्रम किस तरीके का चाहते थे। ये पाठ्यक्रम का जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आपको ओनली अपने इसके सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पर कार्य करना चाहते थे या कौन से सिद्धांत ये शिक्षा में मानते थे कि इस आधार पर ये कार्य करें, और इसमें हमें दूसरे थे इसके उद्देश्य कि जब इन्होंने ये सिद्धांत बनाए तो इन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपने जो उद्देश्य है वो क्या रखे, और उद्देश्य इन्होंने किस तरह से इन सिद्धांतों को उद्देश्य का नाम दिया, जिससे ये अपने एक एम लेके इन सिद्धांतों में उनके ये उद्देश्य छुपे हुए थे, ये एम छुपा हुआ था कि उनके इस शिक्षा के माध्यम से उनके ये उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी। तो ये जो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम की भूमिका, इसमें मैं आज सबसे पहले बता आपको आदर्शवाद। आदर्शवाद हमने देखा था कि आदर्शवाद में सबसे ज़्यादा अहम क्या था, व्यक्ति स्वयं, यानी कि आदर्श व्यक्ति स्वयं ही था, वो हम अपने मन से कर हर कार्य अपने मन में करते थे। हमने देखा था आदर्शवाद में राजा भी कैसे होते थे, जो स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करते थे, वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो जिस तरीके से कहते हैं हमारा देश का शासन चलेगा, उसी तरीके से हमारे देश की शिक्षा भी चलेगी, और वही हमें शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें उन्हीं आदर्शों का समावेश था। आदर्श मतलब किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के विचार, उसको मानकर ही हम कार्य करते थे। तो हम देखें नाम से जैसा प्रतीत हो रहा है आदर्शवाद, अब हम देखें आदर्शवाद के सिद्धांत क्या थे। आदर्शवाद में जब मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताई थी, ज्ञान के बारे में बताया, पाठ्यक्रम में भी थोड़ा सा बताया, हम देखते हैं कि आदर्शवाद जो हमारा प्राचीन काल था, आदर्शवाद जहाँ शिक्षा को सिर्फ क्या माना जाता था, व्यक्ति को शिक्षित करना, और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा थी कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोपरि माना जाता था। यहाँ पर व्यक्ति का ज्ञान, कहते हैं कि शिक्षा हमारी कोई व्यावसायिक शिक्षा ना होकर, व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित ना होकर, अगर हम आदर्शवाद को नाम देते हैं तो हम कहते हैं कि आदर्शवाद में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखने वाली हमें शिक्षा दी जाती थी, अर्थात सबसे ज़्यादा वहाँ जो सिद्धांत था वो था हमारा आदर्शवाद। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, पहला सिद्धांत है इसमें भिन्नता में एकता, अर्थात जब हमारी बहुत सारी चीज़ें भिन्न रहती हैं लेकिन वहाँ पर विचार एक ही व्यक्ति का होता है। जिस तरीके से राजा स्वयं अकेला शासन चलाता था उस वक्त, कि सबकी कोई प्रजा के कोई भी विचार वो मानते नहीं थे, यानी कि यहाँ पर भिन्नता थी लेकिन भिन्नता में भी एकता इसलिए थी कि स्वयं जो शिक्षक, अब हम यहाँ शिक्षा की बात करके कि पाठ्यक्रम हमारे शिक्षा पर लागू है, तो वही चीज़ हम कहते हैं आदर्श में बताया था कि शिक्षक क्या थे, उसमें सर्वोपरि, अर्थात शिक्षक अपनी इच्छा से कार्य करते थे, कि भिन्नता में एकता, विभिन्न विभिन्न विचारों वाले रहते थे लेकिन एकता किसकी थी, शिक्षक की, अर्थात यहाँ शिक्षक की भूमिका थी। इसी में हम कहें कि आदर्शवाद में जो रोज हमारे रोज जो दार्शनिक हुए थे उनका कहना था, रोज का कहना था कि जो शिक्षा है, यानी कि आदर्शवाद में जो शिक्षा रोज ने मानी वो मानते थे, उन्होंने तीन बिंदुओं का इसमें समावेश किया था, अनुभव क्रिया व ज्ञान। अनुभव क्रिया जो हमारे विभिन्न विभिन्न क्रियाएं हैं, अनुभव हुए हमारे कि हमारे अनुभव क्या क्या है, अनुभव क्रियाएं व ज्ञान। तो हम इसमें ये चीज़ कहेंगे अनुभव, यहाँ पर अनुभव किसके लिए जाते थे,
शिक्षक के, मानते थे कि शिक्षक को इतना अनुभव, क्योंकि शिक्षक सर्वोपरि था, वो मानते थे शिक्षक इतना जो हमारा पाठ्यक्रम बना रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं तो वो इतने अनुभवी होंगे, यानी कि कहें तो हम शिक्षक पर आँख मीट कर विश्वास करना। तो यहाँ पर शिक्षक अनुभव किसका, शिक्षक का, शिक्षक सर्वोपरि थे तो वो अनुभव भी शिक्षक के मानते थे। दूसरा था क्रियाएं, जो अनुभव के आधार पर हम जो क्रियाएं करते हैं, सबसे पहले ज्ञान, हम देखें यहाँ पर ज्ञान, मैंने चीज बताई थी कि यहाँ पर आदर्शवाद में ज्ञान आध्यात्मिक लौकिक परलौकिक जो ज्ञान है उसकी पूर्ति करते थे, यानी ईश्वरवाद, ईश्वर में आस्था, इसी को ही वो ज्ञानी मानते थे। और इन्हीं के आधार पर शिक्षक क्या बनाते थे, अपने अनुभव के आधार पर अपना पाठ्यक्रम, अपने उद्देश्य, और उनके आधार पर वो अपनी क्रियाएं करते थे। दूसरा था हमारा विचार महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बताया है कि आदर्शवाद में विचार को महत्वपूर्ण माना है, आदर्श माना है कि किसी के, किसी भी व्यक्ति के, किसी राजा के, किसी शिक्षक के, शिक्षक से संबंधित है, तो यहाँ हम विचार किसके महत्वपूर्ण होंगे, हमारे शिक्षक के, यानी कि यहाँ विचारों में की जो प्राथमिकता है वो महत्वपूर्ण थी, और वो किसकी, हमारे हमारे जो शिक्षक थे उनकी। थर्ड है हमारा आध्यात्मिकता का वह, यानी कि आदर्शवाद की जो शिक्षा था वो किस सिद्धांत पर था, कि वो मानते थे कि शिक्षा दी जाए तो कैसे दी जाए, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा का इसमें समावेश था, यानी कि ये मानते थे कि जब तक हम ईश्वर के समीप या आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक यानी कि आत्मा का ज्ञान, कि जब तक मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो शिक्षित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आत्मा के ज्ञान को सर्वोपरि माना था, आत्मा के ज्ञान को, अर्थात हमें आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते थे, यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा को जो, आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और है एकत्ववाद, एकत्ववाद का मतलब जब आदर्शवाद है तो उसमें एकत्ववाद होगा ही होगा, अर्थात किसी एक व्यक्ति के विचार, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर आदर्श किसी एक व्यक्ति को माना जाता था, इसीलिए ये क्या था हमारा, एकत्ववाद था। कहते हैं कि आदर्शवाद को हम एकत्ववाद की संज्ञा भी दे सकते हैं। सेकंड है मनुष्य का महत्व, कि यहाँ पर मनुष्य का महत्व भी था, किसका, जो कि स्वयं कार्य कर रहा है, हम कहें कि शिक्षक, तो शिक्षक यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, तो इसमें ये होता है कि मनुष्य का महत्व। सेकंड है इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि इन तीनों गुणों का, कहते हैं जब आध्यात्मिक है इसलिए कहते थे कि हमारा जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक है तो हमारे इन तीन गुणों का उसमें समावेश था, सत्यम शिवम और सुंदरम, कहें तो हम कहते थे कि इन्हीं में हमारे पूरे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती थी, ये हमारा एक परलौकिक ज्ञान था, ये सत्यम शिवम का जो ज्ञान है ये सत्य पर आधारित, कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान था वो सत्य पर था, और सत्य के लिए जहाँ कहते हैं कि हमें सत्य अगर हम बोलते हैं, या कहते हैं कि अगर हमने आत्मा का ज्ञान ले लिया है, आत्मा से हम जिस चीज़ का ज्ञान लेते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, सत्यम शिवम और सुंदरम, कि जो हमारा सत्य बोलेंगे, सत्य ही क्या है, शिव है, और शिव ही क्या है, सुंदर है, अर्थात अगर हम सत्य बोलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ईश्वर की प्राप्त होगी तो वो कैसी होगी, सुंदर होगी, सुंदर का मतलब हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि जो आदर्शवाद था हमारा वो सत्यम शिवम और सुंदरम पर आधारित था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का विकास, यानी कि इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति सर्वोपरि था, व्यक्ति को जहाँ शिक्षक, अगर हम यहाँ श्रेणी में शिक्षक को दें कि हमारे आदर्शवाद में जहाँ शिक्षक सर्वोपरि थे तो उसका किस तरीके से विकास करना है, ये हमारे शिक्षक कहते थे कि बिना शिक्षक के हम शिक्षित नहीं हो सकते थे, यहाँ पर शिक्षक को इतना महत्व दिया गया था कि वो किसी भी, कहते हैं ना कि शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो माटी का एक कुम्हार होता है जो अपने उस माटी को एक स्वरूप दे देता है, घड़ा बना देता है, उसी तरह से हमारे जो शिक्षक हैं वो ऐसे होते हैं कि जो चाहे कितने भी, कहते हैं कि वो अपने शिष्य को मन चाहिए आकार देते हैं, उनके व्यक्तित्व यानी कि उनकी भाषा शैली, बोलने का तरीका, उनके जो हमारे कहते हैं कि हमारे नागरिक कर्तव्य, इन सब का, इन सब कार्यों को, इन सब गुणों का वो समावेश करके और उसका विकास करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा आदर्शवाद, आदर्शवाद के मैंने आपको सिद्धांत बताए, अभी अब है हमारा इसका उद्देश्य, इन ये जो सिद्धांत हैं इनके आधार पर ही हमारे इसके उद्देश्य ही
आदर्शवाद में हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो आदर्शवाद के तो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य ये हमारे हमारे सिद्धांत हैं, ये हमारे हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य अगर हमारे यहाँ सिद्धांत में भिन्नता है, जो मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य था व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देना, यानी कि आदर्शवाद में सबसे ज्यादा जो ज्ञान बनाना था या ज्ञान देना था वो था आध्यात्मिक ज्ञान। ये कहते थे कि आदर्शवाद ईश्वर पर इतना विश्वास करते थे, वो कहते थे कि हम हमेशा जो ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त करते हैं, आत्मा से प्राप्त करते हैं, तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। सेकंड है हमारी सांस्कृतिक संपत्ति, यानी कि जो हमारी संस्कृति से संबंधित है, यानी कि हमारे कल्चर से। ये इस शिक्षा का जो उद्देश्य है इसमें आदर्शवाद में ये सबसे महत्वपूर्ण था कि हम अपने संस्कृति को पहचाने, हमारे कल्चर को पहचाने, हमारे रीति रिवाज को पहचाने, हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पहले की संस्कृति थी, हमने देखा कि गुरुकुल में रहकर जो बच्चे 10-10 साल तक जो शिष्य रहते थे वो गुरु के आश्रम में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते थे, अपने माता पिता के पास घर नहीं आते थे, वो जो सारे संस्कार होते थे हमारे कल्चर के वो सारे वहाँ से प्राप्त करते थे। इसीलिए कहते हैं कि आदर्शवाद एक हमारी सांस्कृतिक संपत्ति का उद्देश्य लेकर चलती थी कि हमें इन उद्देश्यों का समावेश पूरा करना है, इन उद्देश्यों को हमें पूरा करना है। फिर है इसमें पवित्र जीवन, कहते हैं कि आध्यात्मिक अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं तो वही हमारा पवित्र जीवन बन जाता है, जिससे हमें सत्यम शिवम की प्राप्ति हो जाती है। सत्यम शिवम की प्राप्ति जहाँ हो गई वहाँ हमारा जीवन कैसा हो गया? पवित्र। ऐसा मानना था आदर्शवाद का, आदर्शवाद का ये मानना था कि अगर हमने ईश्वर की प्राप्ति की है, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की है, तो हमारा जीवन पवित्र हो गया। यानी यहाँ पर हमारा पवित्रता सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है कि सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति अगर हो गई तो हमारा जीवन पवित्र बन गया। अब जो है हमारा इसका नेक्स्ट, व्यक्ति व संसार में समन्वय, यानी कि आदर्शवाद जो था वो हमें किस तरीके से हमें व्यक्ति और संसार में समन्वय करना। कहते हैं कि जब व्यक्ति असंतोष होता है और 2 मिनट वो अपने ओम का उच्चारण अपनी आत्मा से अपने मन से कर लेता है तो वो हर मुसीबत से अपना संतुलन बिठा लेता है। तो वो चीज़ यहाँ भी थी कि व्यक्ति व संसार में, कहते हैं हम संसार में आए हैं तो संसार में हमारे पास अनेकों ऐसी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें व्यक्ति को एक संतुलन बिठाना पड़ता है, एक दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी संतुष्टि लेनी होती है कि किस तरह से वो व्यक्ति और संसार में अपना समन्वय स्थापित करें। अब हमारा नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद यानी कि आदर्शवाद जो आदर्श है विचार से संबंधित, किसी व्यक्ति के विचार से। प्रकृतिवाद जो प्रकृति से संबंधित है, यानी प्रकृति में खुले में रहना, कहते हैं हम इसको कि यह हमारा आध्यात्मिक तो है साथ में, लेकिन ये किस पर जोर देता है? हमारे भौतिकवाद पे, यानी कि प्रकृति से संबंधित, हमारे प्रकृति में हमारे आसपास क्या हो रहा है इससे संबंधित रखता प्रकृतिवाद। हमने देखा जो प्रकृतिवाद में हमने शिक्षा ग्रहण की उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, जैसे हम इसका एग्जांपल हमने लिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो प्रकृतिवाद के थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें जो शिक्षा लेनी है वो शिक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हमें शिक्षा खुले में मिले जिससे कि बच्चा उस चीज़ को जल्दी ग्रहण करे। प्रकृतिवाद में हमने देखा है जहाँ इन्होंने सर्वप्रथम शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो एक पेड़ के नीचे, इन्होंने जहाँ कहते हैं शुरू में इन्होंने 5 से 10 स्टूडेंट को बिठा के वहाँ एक पेड़ के नीचे बिठाया था, वहाँ इन्होंने पढ़ाया था, जिसमें कुछ बच्चे नीचे पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ पेड़ के ऊपर टहनी पर बैठे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चों को प्रकृति के समीप लाना चाहते थे, वो मानते थे कि जब तक बच्चा प्रकृति के समीप नहीं जाएगा तब तक वो अपनी आवश्यकताओं को महसूस नहीं करेगा, और जितना बच्चा अपना प्रकृति के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है उतना वो कहते कि एक हम कहना हम एक बंद उस कमरे में नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये प्रकृतिवाद के समर्थक थे। यहाँ पर हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसमें देखें इनके जो सिद्धांत हैं वो क्या था, अगर प्रकृतिवाद है तो वो किससे संबंधित होगा? प्रकृति को महत्व
देने वाला, यानी कि हाँ इनका सिद्धांत क्या है, प्रकृति को महत्व देना। फिर है हमारा भौतिक जगत, मैंने बताया था कि प्रकृतिवाद हमारा भौतिक जगत से संबंध रखता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, या हम कहते हैं कि अगर हम संसार में रहते हैं तो जरूर से जरूर हमारी भौतिकवाद का जो भी हमारा कार्य हमारे आसपास के वातावरण में होता है वो जरूर से जरूर हमें पता चलता है और इसी के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं। थर्ड है इसमें सार्वभौमिकता, कहते हैं कि भौतिकता प्रकृतिवाद में सार्वभौमिकता भी है, यानी कि जो हमेशा सत्य रहता है, हमारी आवश्यकताएं जो हमें जरूरत है हम उसको मना नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि हमें खाना खाने के लिए, कहते हैं कि हमें हमारे जीवन जीने के लिए या हमें जिंदा रहने के लिए अगर हमें खाने की आवश्यकता है तो ये सार्वभौमिकता है कि हम बिना खाने के जिए नहीं जी सकते। तो इस पर आधारित है हमारा प्रकृतिवाद, सार्वभौमिकता पर जो कि सत्य होता है। फिर है आदर्श, आदर्श नहीं यांत्रिक दृष्टिकोण, अर्थात यहाँ पर ये किसी आदर्श किसी विचार यानी कि किसी एक व्यक्ति के विचार से ये नहीं चलते थे। प्रकृतिवाद में जहाँ हम कहें कि एक यांत्रिक दृष्टिकोण था, जिस तरीके से हम सबके विचार जानते हैं क्या हमें आवश्यकता, अर्थात हम देखें तो ये हमारी आवश्यकता पर आधारित था कि हमें हमारे जीवन में किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये भौतिकवाद से संबंधित था कि हमारे जो आसपास घटित हो रहा है उसे हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हम किस तरीके से उन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ये हमें हमारा प्रकृतिवाद सिखाता है। इसमें नेक्स्ट हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है प्रकृतिवाद का वो है हमारा सबसे पहले मानव पर आधारित, यानी कि ये जो भी चीज़ करते थे वो किसको ध्यान में रखकर करते थे, मनुष्य को, अर्थात व्यक्ति की श्रम की आवश्यकता, जो मैंने बताया कि ये आवश्यकता पर, अगर भौतिकवाद है तो भौतिकवाद किस पर आधारित है, मानव के रूप पर कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सेकंड है मूल प्रवृत्ति का शोधन, मनुष्य के कहते हैं मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्योंकि वो अगर उसे एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ अगर उसे मिल जाती है तो वो दूसरी चीज़ पाने की कोशिश करता है। अगर हम कहें इसको ही हम मूल प्रवृत्ति शोधक कह सकते हैं, अर्थात वो नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है कि हमें आगे अगर हमें एक चीज़ प्राप्त हुई है तो ये चीज़ हम आगे और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें प्रकृतिवाद बताता है। तो प्रकृतिवाद का उद्देश्य है कि जो मनुष्य है वो अपनी मूल प्रवृत्ति का शोधक होता है, यानी नई नई चीज़ों को शोध करने की कोशिश करता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। थर्ड है हमारा वातावरण से अनुकूल, प्रकृतिवाद हमें वातावरण यानी कहते हैं हम अगर इस भौतिक जगत में हम रहते हैं तो अनेक समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं को हमें किस तरीके से दूर करना है ये हमें प्रकृतिवाद से हम सीखते हैं कि हमें अगर बारिश का मौसम है तो हम बारिश के मौसम में हमारी ऐसी क्या आवश्यकता हो सकती है कि हम घर से बाहर जाएं, तो हम उसका सलूशन निकालते हैं, हम हमारा छाता लेके जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी जो समस्या है, कहते व्यक्ति वातावरण से भी अनुकूल बिठाता है, ये प्रकृतिवाद का खुद का मानना है कि प्रकृतिवाद इन चीज़ों को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद, ये प्रयोजनवाद भी जिस तरह से प्रकृतिवाद कहते हैं कि प्रकृतिवाद भी किस पर आधारित था, बालक पर, यानी कि बालक की आवश्यकता पर, उसी तरह से प्रयोजनवाद भी व्यक्ति अर्थात बालक पर विश्वास करता है कि विद्यार्थी को किस चीज़ की आवश्यकता है, प्रयोजन करता है उस चीज़ को मानते हैं। हम कहते हैं कि प्रयोजनवाद में जॉन ड्यूवी थे जो प्रयोजनवाद के समर्थक, जॉन ड्यूवी ने भी यही चीज़ जो प्रकृतिवाद ने माना कि हमें हमेशा विद्यालय कहाँ रखना चाहिए, प्रकृति के समीप, तो यही जॉन ड्यूवी ने माना, जो जॉन ड्यूवी थे वो भी उनका मानना था कि हमारा जो विद्यालय है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा श्रम करके सीखे। इन्होंने ऐसे विद्यालयों की स्थापना भी की, जैसे कहते हैं कि इन्हीं जॉन ड्यूवी की जो प्रयोजनवाद था इसी के आधार पर जो हम आजकल हमारे विद्यालयों में महाविद्यालयों में जो प्रयोगशालाएं होती हैं जो इन्हीं के आधार पर होती है। तो कहते हैं प्रयोजन आज जो हम नई नई टेक्निक हम कहते हैं प्रोजेक्ट विधि समस्या समाधान इन विधियों का जो हम समावेश करते हैं वो किसके आधार पर, हमारे प्रयोजनवाद का। तो कहते हैं जॉन ड्यूवी का मानना यही था कि हम जो भी सीखें वो हम करके
सीखें जिस कार्य को हमें करना है कि बालक अगर स्वयं पर हम किसी कार्य को छोड़ते हैं तो बालक स्वयं इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। अर्थात इसका जो सिद्धांत है अपने जॉन ह्यूवी जी का या प्रयोजनवाद का, उनका मानना था व्यक्ति में विश्वास, यानी कि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। या अगर हम कहते हैं शिक्षक को, यह कहते हैं व्यक्ति में विश्वास, हम यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं छात्र में विश्वास। अर्थात शिक्षक को किस पर विश्वास करना रहेगा, विद्यार्थी पर, कि विद्यार्थी ऐसा कार्य कर सकता है। जब तक हम कार्य नहीं देंगे तब तक हमें क्या पता कि बच्चा इस कार्य को कर सकता है। तो हमें व्यक्ति में विश्वास रखना चाहिए। मानव शक्ति, कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, तो प्रयोजनवाद का यही मानना था कि मानव में शक्ति है, मानव हर कार्य को कर सकता है, तो ये इनका मानना था। अब इसमें निर्माण की अवस्था, कहते हैं प्रयोजनवाद को किस तरीके से हम कार्य करते हैं ये प्रयोजनवाद में बताता है, किस क्रम से करना है। यहाँ हमारा क्रम करने का तरीका, किससे करवाना है, कैसे करना है, क्योंकि ये क्रिया पर आधारित है। ये इसकी जो प्रक्रिया है वो क्रिया पर आधारित होती है, यानी कि हमें उस कार्य को किस तरीके से करना है, वो कैसे करवाना जाता है। तो निर्माण की अवस्था, कि हमें उस कार्य को किस तरीके से सुचारू रूप से कार्य करना है। फिर हमारा मानवीय मनोदृष्टि, यानी कि स्वयं का, जो व्यक्ति जो छात्र हैं उनके खुद के दृष्टि, मानवीय, जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। कहते हैं ना, हम अगर जबरदस्ती किसी पे कार्य थोपे तो वो कार्य नहीं होगा। यहाँ प्रयोजनवाद में हमें छात्र की रुचि का ध्यान रखना रहेगा कि बच्चा किस तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। फिर है परिस्थिति के अनुरूप, यानी कि किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियाँ अनुरूप परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और जो हमारा प्रयोजनवाद है वो हमें उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना सिखाता है। ये है बहुत्ववादी। हमने देखा कि जहाँ आदर्शवाद एकत्ववाद था, यानी कि एक व्यक्ति का विचार मानने वाला, लेकिन जो हमारा प्रयोजनवाद है वो बहुत्ववादी है, कि यानी कि वो सबके विचारों को साथ में लेकर चलता है। वो ये भी कहता है कि अगर सामने वाला हमसे कार्य करने के लिए कहता है तो उसे वो कार्य देना चाहिए, उसे जांच परखना चाहिए कि वो कार्य कर सकता है या नहीं, या उसके लिए हमें अन्य से विचार लेने चाहिए। तो ये बहुतवादी है, जिसके बारे में हमें सबके विचारों को जानना चाहिए। इसके जो हमारे उद्देश्य हैं वो है हमारे, अगर कहें कि हमारा उद्देश्य है इसमें कि पूर्व जो शिक्षा होती है वो निरुद्देश्य होती है। कहते हैं कि इसकी जो शिक्षा है प्रयोजनवाद की, वो पूर्व में हम निर्धारित नहीं करते हैं। हम जब कार्य करना शुरू करते हैं तब हम उस शिक्षा को बनाते हैं या उसके सिद्धांतों को बनाते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व की शिक्षा निरुद्देश्य होती है, अर्थात हम उस शिक्षा को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, ये जब तक हम इसको संगठित नहीं करेंगे तब तक हमें शिक्षा के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर है परिस्थिति के अनुरूप, जो यहाँ बताया था कि हमें प्रयोजनवाद परिस्थिति के अनुसार किस तरीके से कार्य करना है ये हमें सिखाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है परिस्थिति के अनुरूप चलना। फिर है इसमें संवेगात्मक, अर्थात हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, हमें इसके अंदर हमारी शारीरिक मानसिक सारी संवेगात्मक क्रियाएं करनी होती हैं। कहते हैं इसमें हमें हमारे प्रत्येक जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रिया होती है, कहते हैं कि हमें प्रत्येक चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि हमने उस कार्य को किस तरीके से किया है, ये हमारे संवेग बताते हैं कि हमें किस तरीके से हमने इस कार्य को पूरा किया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा यथार्थवाद, जो कि सही होता है, यथार्थ पूर्ण रूप से सत्य, कि ये सत्य पर आधारित होता है। तो ये भी जिस तरह से प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद थे, तो ये स्थूल जगत अर्थात हमारे मूर्त दिखने वाली जो हमारे भौतिक जगत में उपस्थित होती है उन चीज़ों से ही अपनी जो स्थूल जगत था अर्थात दिखने वाली, ये उस पर विश्वास करते थे। तो यथार्थवाद कैसा था, जो हमें प्रत्यक्ष दिखे, जिस पर हम विश्वास कर सके, जो पूर्ण रूप से सत्य हो, ये उस चीज़ पर विश्वास करते थे। फिर है इसमें व्यक्ति व समाज, यानी कि यहाँ पर हम कौन होता है, किस पर विश्वास करेंगे, व्यक्ति और समाज दोनों, क्योंकि जो व्यक्ति है वो किससे यथार्थता रखता है,
समाज से। समाज उसके पास रहते हैं तो हमें उस समाज से व्यक्ति का संबंध होता है। कारण और परिणाम, हमें बिना कारण के हम कार्य नहीं करते, और जब बिना कारण के हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें हमारे परिणामों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो स्थूल जगत यानी यथार्थवाद में मानते हैं कि जब तक हमारे सामने कारण नहीं आएंगे तो हम जो मनुष्य होता है वो अपना कार्य नहीं करता। यानी कि किसी ना किसी रूप में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि हमें वो कार्य करना है, तभी हम जब वो कार्य करेंगे तो हम परिणाम की अपेक्षा करेंगे कि इसके प्रति हमारे क्या परिणाम आने वाले हैं। फिर है हमारी जीवन की आवश्यकताएं। यथार्थवाद हमारी जीवन की आवश्यकताओं से संबंध रखता है कि जैसे हम कहें कि सर्दी के दिनों में हमें गर्म कपड़े चाहिए, हमारी आवश्यकता है, ये यथार्थता है। हम कहें कि भूख लगे तो हमें खाना चाहिए, कहते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं, जो हम रोटी कपड़ा मकान जो हमारी आवश्यकता है, ये उस पर आधारित होता है। क्योंकि यथार्थ है, ये सत्य है जिसे हम देख सकते हैं। क्या भूखे हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो यथार्थता है ये। पूर्णतः वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हमारी वैज्ञानिक भी है यथार्थ, क्योंकि इसके लिए ही हम विभिन्न कार्य करते हैं। जो हमारे इसके शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य में है हमारे, हम कहें कि हम अपने इसमें जीवन की तैयारी, जिसमें हम अपने जीवन की तैयारी करते हैं, व्यक्ति का विकास करते हैं। कहते हैं यथार्थता से व्यक्ति का विकास होता है, उसे आगे बढ़ने की, या हम कहें तो स्वानुभूति के अनुकूल, कि ये हमारे किसके प्रति होता है, खुद की अनुभूति के प्रति, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। फिर है हमारा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद कि इसमें क्या होता है, इसमें मानव शक्ति होती है, ये मानव की अनुभूति होती है, जिसमें अस्तित्व इसका सर्वोपरि होता है, व्यक्ति इसमें सर्वोपरि होता है। इसमें कहते हैं कि जो भी सोचना होता है, जो व्यक्ति को खुद को सोचना होता है, इसमें कहते हैं कि व्यक्ति अद्भुत और अनोखा है। व्यक्ति अद्भुत व अनोखा है, क्योंकि ये मानव से संबंध रखना है, तो ये हम अपन व्यक्ति को ही वो सब वो मानते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर हमारे लिए अद्भुत है, वो ही अनोखा होता है। कि यानी जो कार्य कर रहा है ना, अगर हमने उसको कार्य दिया है तो सोच लो कि उसमें समथिंग स्पेशल थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, तभी उसको उस कार्य का भार दिया गया है, अर्थात व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन अस्तित्ववाद का मानना वो ये है कि व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति अनोखा है, व्यक्ति अद्भुत होता है, व्यक्ति ने जो कहा है वो, जो कार्य कर रहा है वो कार्य हमारे अद्भुत कार्य है। अब इसमें कहते हैं कि इसके जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है इसमें अस्तित्ववाद, पाठ्यक्रम की प्रस्तावना में आस्था नहीं रखते। अर्थात अवधारणा मैंने बताई थी आपको कि प्राचीन काल में क्या है और हमारे आधुनिक काल में, ये उस चीज को नहीं मानते हैं, प्राचीन और नवीन को ये नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें माना है व्यक्ति अनोखा है। इसमें कहा गया है कि चाहे प्राचीन शिक्षा दो आप, चाहे आधुनिक शिक्षा दो, चाहे आधुनिक आधार पर पाठ्यक्रम बनाओ, चाहे प्राचीन आधार पर, लेकिन ये यहाँ पर व्यक्ति अनोखा होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति जिससे जो कार्य दिया जाता है, हम कहते हैं कैसे, हमने कई बार देखी है कि कई व्यक्तियों में कला की, जो उनके कहते हैं कि गायन क्षमता होती है, कई बार ये होता है कि हम नहीं सीखे, उससे पहले ही उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी रहती है, सुरताल भी अच्छा होता है, यानी कि वो व्यक्ति स्वयं में एक अनोखा है, व्यक्ति स्वयं में अनोखा है, जिसे वो पहले से ही प्राप्त है, ये उसके खुद के मानव के गुण हैं। तो ये ऐसे ही गुणों की कल्पना करते हैं। तो इसमें कहा गया कि वो किसी प्रस्तावना में आस्था नहीं रखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना, हमारा अवधारणा, जो हमारी क्या कहना चाह रहा है पाठ्यक्रम, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अस्तित्ववाद है वो व्यक्ति पर आधारित है, कि व्यक्ति इसमें सबसे अनोखा और प्रमुख होता है। तो ये है हमारी पाठ्यक्रम की भूमिका। इसी का ही जो एक टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम के बारे में, मैं आपको नेक्स्ट, यानी कि पाठ्यक्रम में इनके क्या सिद्धांत है, पाठ्यक्रम में के लिए इनकी क्या सोच है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।